कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव के लिए 120 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 80 वर्तमान विधायकों को फिर मौका देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा 22 ऐसे नेता जो पिछले विधानसभा चुनाव में हारे थे, जैसे अजय सिंह, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत, ऐसे नेता, इन्हें फिर मौका देने का निर्णय लिया गया। 18 ऐसी सीटें जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार लगातार पिछले कई चुनाव से हार रहे थे, वहां के उम्मीदवार भी तय कर लिए गए। उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर अभी संशय की स्थिति है। पवन खेड़ा, जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनका कहना है कि कुछ ही देर बाद सूची आ सकती है, जबकि मध्य प्रदेश के जो नेता है उनका कहना है कि सूची श्राद्ध पक्ष के बाद ही आएगी। आज दिल्ली में संपन्न इस बैठक के दौरान मध्य प्रदेश से कमलनाथ मौजूद थे, डॉक्टर गोविंद सिंह मौजूद थे, और केंद्रीय चुनाव समिति में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे जो ओंकार सिंह मरकाम वो भी मौजूद थे। इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित अन्य कई नेता मौजूद थे, सोनिया गांधी मौजूद थी, राहुल गांधी मौजूद थे। तो मध्य प्रदेश को लेकर परिदृश्य स्पष्ट होता जा रहा है। यह भी तय किया गया है कि स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से जो अनुशंसाएं अगले दौर में प्राप्त होगी उस पर भी चुनाव समिति जल्दी ही निर्णय ले लेगा। अभी जो प्रारंभिक जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक पार्टी ने इंदौर एक से संजय शुक्ला, इंदौर दो से चिंटू चोकसे, इंदौर के राव विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक जीतू पटवारी, देपालपुर से विशाल पटेल और के नाम का अनुमोदन कर दिया। इसके अलावा डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, सचिन यादव, सुरेंद्र सिंह बघेल हनी, उमंग सिंगार के नाम भी जो है वो क्लियर हो गए हैं, इनकी उम्मीदवारी तय सी है। मतलब ये माना जा रहा है कि जो कमलनाथ सरकार में मंत्री थे उनमें से ज्यादातर लोग टिकट पाने में सफल हो रहे हैं। 16 विधायक ऐसे हैं जिनके नामों को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। मुझे लगता है कि इस बारे में स्क्रीनिंग कमेटी की अगली बैठक के बाद जो सूची केंद्रीय चुनाव समिति तक पहुंचेगी उस पर निर्णय लिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी चुनाव लड़ेंगे, तय हो गया है। गोविंद सिंह अपने परंपरागत निर्वाचन क्षेत्र लाहौर से मैदान संभालेंगे तो कमलनाथ अपने परंपरागत निर्वाचन क्षेत्र छिंदवाड़ा से मैदान संभालेंगे। यह तय हो गया है कि कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे। और इसके अलावा मालवा निमाड़ के वे वर्तमान विधायक ज्यादातर जो है वो टिकट पाने में सफल हो रहे हैं। खरगोन से रवि जोशी, भीकनगांव से झूमा सोलंकी, भगवानपुरा से केदार डावर जो पिछला चुनाव निर्दलीय लड़े थे उन्हें इस बार कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया जा रहा है। धार से सुरेंद्र सिंह बघेल हनी, कुक्षी से उमंग सिंगार, गंधवानी से प्रताप ग्रेवाल, सरदारपुर से ये नाम तय हो चुके हैं। पांचीलाल मेड़ा जो है धर्मपुरी के विधायक उनको लेकर अभी असमंजस की स्थिति है। अलीराजपुर से मुकेश पटेल का नाम तय है। वीर सिंह भूरिया जो है उन्हें पुनः फिर थानला से मौका दिया जा रहा है। हर्ष विजय गहलोत को जो है फिर सैलाना से उम्मीदवार बनाया जा रहा है। आलोट से मनोज चावला का नाम तय है। तो मतलब मध्य प्रदेश और काला पीपल से कुणाल चौधरी, आगर से विपिन वानखेड़े, शाजापुर से हुकुम सिंह कराड़ा, ये सब नाम जो है आज केंद्रीय चुनाव समिति ने क्लियर कर दिए हैं। उम्मीदवारों की घोषणा के संबंध में मैंने आपको बताया कि असमंजस की स्थिति है, कुछ कहा नहीं जा सकता है।